हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। तो मेरे बहुत वीडियोस में लोग कमेंट करते हैं कि आपका वाटर कलर वर्क्स दिखाओ, तो इस वीडियो में मैं वही करने वाला हूं, कुछ वाटर कलर वर्क्स दिखाने वाला हूं अपना। सभी A4 साइज़ का है करीबन। तो फर्स्ट है यहां पे कोलकाता हाई कोर्ट का पेंटिंग, आउटडोर किया था ये। उसके बाद दक्षिणेश्वर मंदिर में भी आउटडोर किया था। बेसिकली जो जो वर्क्स मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ सारे ही आउटडोर से, तो बहुत बढ़िया बढ़िया लैंडस्केप भी बनाया है मैंने। कोलकाता के फेमस प्लेसेस में बहुत आउटडोर किया है, टीपू सुल्तान मस्जिद है ये। और इन सभी पेंटिंग का फुल वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कोलकाता प्लेलिस्ट। यह ये वाला पेंटिंग रिसेंटली किया था, 2-3 महीने पहले खिदिरपुर डॉक में किया था ये पेंटिंग, रिसेंटली अपलोड किया है वीडियो में। ये वाला एक विलेज टाइप का जगह है भोजेरहाट, वहाँ पे किया है। ज़्यादातर ब्रूस्टो या फिर कैंसन के पेपर यूज़ किया है। ये वाला बहुत पुराना वर्क है और एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। ये वाला वर्क मेरा बहुत फेवरेट है। हाँ, एक दोपहर में जाके, संडे के दोपहर में बनाया था, तो बहुत ही अच्छा वर्क है। ये वाला है कोलकाता GPO, इसका भी वीडियो है। और लैंडस्केप है बढ़िया बढ़िया, बोट्स के पेंटिंग है, वाटर लैंड है और पाम ट्रीज। मुझे पाम ट्रीज ड्रॉ करना बहुत ही अच्छा लगता है, उनका भी बहुत है पेंटिंग। तो ये वाला वर्क पूरा रिफ्लेक्शन के ऊपर है, देखो। तो सबका फुल वीडियो चैनल पे है, बहुत ही इंजॉय करके मैंने ये वीडियो बनाया है, फुल जर्नी दिखाया वीडियोस में। तो रिक्वेस्ट करूँगा वीडियोस आप देख सकते हैं, अगर आपको आर्ट के वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो। ये वाला भी बहुत सुंदर लैंडस्केप है, इसी साल बनाया था ये। बहुत ही नए पुराने वर्क्स यहाँ पे है। हाँ, ये वाले वर्क्स है पाम ट्री का, बहुत नए वर्क्स भी है, कुछ पुराने वर्क्स भी है, सब एक साथ लेके मैं बैठा हुआ आज सब दिखाने को। तो आप लोग रिक्वेस्ट करते हो तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ। और ये वाला पेंटिंग बहुत फेवरेट है, आधा आउटडोर में आधा इंडोर में बनाया था, सेंट पॉल्स कैथीड्रल, वहाँ से भगा दिया था हमको। फुल वीडियो देखो। और ये वाला भी कोलकाता में है, ये विश्व बांग्ला गेट है कोलकाता का फेमस, इसका भी फुल वीडियो है। और बढ़िया बढ़िया लैंडस्केप भी है। आपको इन सब में कौन सा पेंटिंग अच्छा लग रहा है कॉमेंट में बताओ। ये वाला राइटर्स बिल्डिंग का है, सुबह सुबह गए थे एकदम। तो जो मैं कह रहा था, ये ITC का भी है, कोलकाता में बहुत जगह पेंटिंग बनाया है मैंने। तो आपको कौन सा पेंटिंग सबसे अच्छा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझको, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा। तो एक और लैंडस्केप है, और ये वाला है लेक टाउन में बिग बेन जो है उसका पेंटिंग बनाया था मैंने, वो फ्लाईओवर के ऊपर से पूरा एरियल व्यू लिया था। एक और लैंडस्केप है, सबका फुल वीडियो मेरे चैनल पे अगर आप देखोगे तो सबका फुल वीडियो मिल जाएगा। तो रिक्वेस्ट करूँगा एक दो वीडियो आप देखो जो आपको पेंटिंग अच्छा लगा। ये वाला मेरा फेवरेट वर्क है, बहुत ही रियलिस्टिक वर्क था, पाम ट्रीज का और पानी था नीचे, तो ये वाला फेवरेट वर्क है मेरा। इसका फुल वीडियो आप ज़रूर देखना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपको। और ये वाला हम हावड़ा ब्रिज के वहाँ गए थे, बहुत ही क्राउडी प्लेस था, लेकिन हम आउटडोर करके चले आए। कभी कभी हम सोचते हैं कि आउटडोर होगा कि नहीं यहाँ पे। तो ये वाला विक्टोरिया का वीडियो है, विक्टोरिया का पेंटिंग है, सॉरी, 100% ब्रूस्टो के कॉटन पेपर में बनाया था। और ये वाला मेरे घर के बहुत ही करीब है, सॉल्ट लेक स्टेडियम। तो जो मैं कह रहा था, क्राउडेड प्लेस में हमको कभी यकीन नहीं होता कि कर पाएंगे कि नहीं आउटडोर, लेकिन हम करके आ जाते हैं आउटडोर जहाँ भी गए हैं। ये एक सनसेट के टाइम का पेंटिंग है। और यहाँ पे कुछ और पेंटिंग्स है, और ये वाला है एक स्काई का पोर्शन लिया था बारिश के टाइम में। ये वाला एक लैंडस्केप है पाम ट्रीज के साथ। कौन सा पेंटिंग आपको अच्छा लग रहा है सबसे, आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, तो फिर मैं भी समझ पाऊँगा कि आपको ये पेंटिंग अच्छा लगा। ये वाला भोज में बनाया था, बहुत लॉन्ग जर्नी किया था, 1.5-2 घंटा फिर जाके पहुँचे थे। और ये श्याम बाज़ार है, बहुत ही क्राउडेड प्लेस था, इसका भी पेंटिंग बनाया है। एक और काम है यहाँ पे, ये है नाखोदा मस्जिद,
या ये भी बहुत क्राउडेड प्लेस था, लेकिन हम बहुत सुबह सुबह गए थे तो हमको उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ था। हाँ, अभी ख़त्म ही होने वाले हैं काम, और ये वाला रिसेंटली ही बनाया है, बेलूर मठ में बनाया पेंटिंग। और ये सबसे लेटेस्ट है, ये उत्तरपाड़ा घाट में बनाया था। तो यहीं पे मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। तो आज का वीडियो इतना ही था, यही पेंटिंग मेरे हाथ के सामने था तो मैंने दिखा दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप मेरे और पुराने वर्क्स देखना चाहते हैं या फिर ऐसे ही कुछ वाटर कलर वर्क्स मेरे देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके बताओ, तो मैं ऐसे और वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। चलो मिलते हैं।